शुभरात्रि की ये कहानी सिल्किनी गांव वालों के लिए शुरू हुई भारत की आज़ादी से पहले यानी 19वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में। शेखर की ज़िंदगी में शुभरात्रि की कहानी शुरू हुई 2002 में, आज से 20 साल पहले। आप लोगों के साथ इस कहानी का सफ़र मेरे लिए शुरू हुआ पिछले महीने नवंबर ऑफ 2022। तो फिर आइए अब इसे ख़त्म करते हैं। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द 15th कहानी ऑफ स्टोरीज। हमारी आज की कहानी का नाम शुभरात्रि द कर्स चैप्टर 5। अब सारे के सारे जो लोग थे वहां पे शेखर को घेर के खड़े थे, वो जनाब बैठे हुए, सबके मन में 100 तरह के सवाल, लेकिन सबसे ऊपर सिर्फ एक। तीसरी कहानी क्या थी? लेकिन इस कहानी यानी शुभरात्रि द कर्स को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट शुभरात्रि द मिथ नहीं सुना है तो पहले प्लीज़ आप मेरी प्रोफाइल पे जाएं, वहाँ उस कहानी का चैप्टर 1-5 कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पहले उसे सुनिएगा क्योंकि ये उसके आगे की कहानी है। तो अब आगे बढ़ रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ पहले के सब खत्म कर दिए, ठीक है? तो उनमें से एक जनाब पूछते हैं कि वो आखिरी बात क्या थी। तीसरी कहानी, तो सरपंच भाई साहब जो थे, अब उन्होंने एविडेंस के तौर पे जितने भी लोग थे कि रात में जिस जिसने जो जो हुआ वहाँ पे वो सब देखा, वो सारे इनके अपने थे। अब बात रही जहाँ तक वो पंडित के लड़के की, और अगर उसने पंडित को बताया तो उनको कोई भी झूठ की ऊटपटान कहानी बना के वो सॉल्व कर लेते। बचा सिर्फ एक इंसान, और सरपंच चाहता था कि उस आखिरी कड़ी को भी ख़त्म कर दें। कौन भैया? शैलेश की माँ। अब सरपंच इस दुविधा में कि इस काम को करें तो करें कैसे, क्योंकि इसे करने के लिए कोई राजी नहीं होता कि एक तरफ तो आपके चक्कर में हमारे हाथ तो एक किन्नर का खून हो गया है, अब उसके ऊपर से आप उसकी माँ को भी मारने के लिए कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अब इतने में वो सोचते कि कुजार उनके चरणों में आके गिर गया कि मालिक बचा लीजिए। अब पंगा ये हो गया कि ये जनाब जो है, वो जो इनका इनर सर्कल था, उनके लिए विलन बन गए। भली बाकी के गाँव वालों को नहीं पता, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो जिंदगी भर सर झुकाकर नहीं रह सकता था। उनके अकॉर्डिंग ये वो इंसान था जिसके कारण हमारे हाथों एक किन्नर का खून हो गया है। अब उसको पता था बचा यही सकते हैं। उन्होंने मौके का फायदा उठाया, कंधे पे हाथ रखा, बोला तुम्हें हम बचा लेंगे, लेकिन वो जो अभी गांव से भगकर गई है ना, वो कहीं पहुंचनी नहीं चाहिए। कुजार इशारा समझ गया और उसने तुरंत शैलेश की माँ का पीछा किया। वो बेचारी बुढ़िया कहाँ भाग पाती, कितना दूर भाग पाती। अच्छा, उसे ये भी तो नहीं पता कि वो अपनी जान बचा के भाग रही, वो तो अपने बच्चे से मिलने जा रही है। बीच रास्ते में कुजार उसी के साड़ी के पल्लू से उसका गला घोंट के उसे मारता है और फिर ले जाकर उसे वहीं गाड़ देता है जहां पर उन सब ने मिलकर शैलेश को गाड़ा था। पता है, शैलेश ने अपनी मौत कबूल कर चुका था, भोला था ना, बस अपनी जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन जो अगले कुछ साल उसने मौत का तांडव मचाया था ना, उसकी वजह ये आखिरी हरकत थी जो सरपंच ने कुजार के हाथों से करवाई थी। यहां पूरा का पूरा पाजा पलट गया। बस फिर क्या था, अपने ही मुर्दा शरीर पे अपनी मां की सारी लपेट कर एक बदले की जिद लिए उस दिन शैलेश खत्म और एक शोभना का अवतार हुआ। बस यही थी तीसरी कहानी। होटल रूम में जितने खड़े थे सब के सब शर्म से चूर की बेचारी की क्या गलती थी। कुछ आपस में बात कर रहे, कुछ चुपचाप शर्मिंदगी में बैठे हुए। रमेश तो वहाँ से उठकर ही चला गया, वाटर फिल्टर वाले एक एरिया था, पानी पीने चला गया। प्रियंका यहाँ बैठी, इन कहानियों से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन समय के साथ तो एक रिश्ता बन गया था। पर वो एक सवाल पूछती कि शिखर ये जो डायरी है ये शायद वही डायरी है। एक्चुअली में जब मेरे ऊपर शोभना हावी होती थी तब वो मुझे किन्नर सोसाइटीज़ अकेले नहीं बल्कि कई और किन्नरों से मिलवाने भी ले जाती थी, और सिर्फ एक जगह नहीं अलग अलग स्टेट्स में भी मैंने ट्रैवल किया जो मुझे पता भी नहीं था। वो अपनी डायरी खोल के दिखाता है जिसके अंदर हिंदी के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं। दरअसल बदला लेने के बाद भी शोभना कई सालों तक भटकी, और इस दौरान उसने कई किन्नरों की मदद ज़रूर करी, लेकिन उसने अपनी कहानी भी सुनाई, क्योंकि उसका ये मानना था अगर विश्वजीत दादा अपनी ज़ुबान पर नहीं बने रहे तो कोई तो हो जो उसकी कहानी जानता हो। भैया मैं ये कह रहा था कि मतलब अब अगर हम लोग इस किताब को लिखते हैं और हम मतलब चौखट पे रखते हैं तो उन्हें पसंद आएगी। देखो, खुश होने का मौका ज़रूर था ये गांव वालों के लिए,
लेकिन इतनी बार उम्मीद बन के टूटी थी कि जब तक मतलब शोभना एक्सेप्ट ना कर ले वो मतलब एक सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलता, लेकिन और कर भी कह सकते थे भाई, इंतज़ार करना था अगली दशहरा तक का। यानी आओ, उन सब ने खाना वाना खाया, सब अपने रूम की तरफ लौटे। शेखर रमेश के रूम पे पहुंचा और रमेश को ना एक थैंक यू बोला। क्या इतने सालों में रमेश वो इंसान था जिसने कितने पैसे लगाए उसे खुद अंदाज़ा नहीं है, लोगों को बुलाने के लिए, उन किताबों को लिखने के लिए, शेखर को ढूंढने के लिए, शेखर जब दूसरे शहर गया वहाँ पे उस पर सर्वेलेंस रखने के लिए, एक थैंक यू बनता था। रमेश ने कहा, नहीं यार तो कोई भी करता नहीं भैया, कोई नहीं करता, आपने कहा इट्स अ बिग डील। एनी हाउ वो एक वैक्स सील्ड लेटर रमेश के हाथों में देता है। ये क्या है भाई? भैया वो शोभना जब मुझ पे हावी हुई थी तब उन्होंने मेरे हाथों एक चिट्ठी लिखवाई थी, उसके अंदर क्या लिखा है ये तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि ये चिट्ठी आप तक पहुँचानी है और ये सिर्फ आप ही के लिए है। ओके, और बाकी किसी नहीं भैया, आपके मेरे बीच की बात है। थैंक यू। रमेश दरवाज़ा बंद करता है, वहाँ पर एक चेयर रखी होती है उस पर जाके बैठता है, टेबल पर उस चिट्ठी को खोलता है, चिट्ठी को पढ़ता है, फिर दोबारा पढ़ता है। जब तीसरी बार पढ़ता है ना तो उस चिट्ठी पर एक आंसू की बूंद आकर गिरती है। क्या कि इतने सालों के बाद पंडित दादा विश्वजीत दादा की पीढ़ी के शेखर पांडे को शोभना की कहानी मिली थी ना, वैसे ही आज गुजार की पीढ़ी के रमेश पाटीदार को माफी मिली थी। बस फिर गया, सब अपने अपने घरों पे लौट जाते हैं। शेखर भाई साहब इस बार भी नहीं बताते घर पे कि भैया वो भोपाल आए हुए हैं। लौट जाते अपने काम करने वाले शहर, फिर वही एक साल किताब को लिखते हैं, 10 बार उसे चेक करते हैं, सब लोग चेक करते हैं। इनफैक्ट 3 और कहानियाँ जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है उस कहानी में। दशहरा की रात आती है, लोग पहुँचते हैं भोपाल, सिल्कनी कहानी को उस चौखट पर रखा जाता है। अगले दिन की सुबह जब उस कहानी को देखते तो कहानी बीच से चिरी हुई नहीं होती, ठीक होती है। खुशी ना एक बहुत छोटा सा वर्ड है कि उस समय सिल्कनी वाले क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन ना एक बहुत बड़ा डिबेट होता है यहाँ पे कि वो ज़्यादा खुश थे या फिर शेखर के पापा मम्मी, क्योंकि इतने सालों के बाद उन्हें एक फ़ोन कॉल आया था जहाँ पे उनका लड़का उन्हें ये कह रहा था कि इस बार दिवाली वो अपने घर पर मनाएगा। अब इसके बाद एक रिवाज बन गया, सिल्कनी गांव वाले हर साल दशहरा के दिन सारे इकट्ठे मिला करते, पूरा होटल भर जाया करता और वो सारे मिलके शोभरात्रि को सेलिब्रेट करते बड़े धूमधाम से। अब ये सब बढ़िया आगे चलता रहा। अब कुछ सालों के बाद हमारे शेखर भाई साहब के कोई स्कूल के फ्रेंड थे, उन्होंने एक किताब लिखी। अब जब शेखर ने ये किताब पढ़ी, हुए उन्हें मज़ा ही आ गया, बोले क्या खूबसूरत, मतलब राइटर खुद को बहुत लोग बुलाते हैं, कुछ लोगों के हाथों में जादू होता है यार। उन्होंने किताब पढ़ी, बोला यार ये मेरे काम के लिए एकदम परफेक्ट बनता है। कौन सा काम? अब शेखर भाई साहब को एक बात ना बड़ी परेशान करती। अब सीन ये था कि शोभना ने ये कहानी क्यों लिखवाई थी, ताकि लोगों तक उसकी कहानी पहुंच सके, लेकिन वो जो उन्होंने किताब लिखी थी ना उसको कोई नहीं पढ़ता, उसे कोई नहीं खरीदता, क्योंकि वो कहानी ना ऐसे इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, अरे यार ऐसे थोड़ी थी, कहानी का एक फ्लो होता है ना, अब वो कैसे करे। ये दोस्त सही बंदा था। अब शेखर इस बात को फोन पे नहीं करना चाहता था क्योंकि कोई कहानी नहीं है ऐसी वैसी, एक लेगेसी थी, लेकिन इस बात को बताने से पहले वो चाहता था कि इसी 100% श्योर कि वो अपने दोस्त पे ट्रस्ट कर सकता है। अब इसके लिए दोनों का मिलना ज़रूरी था। पंगा ये हो गया 2020 के समय था जब इन्होंने ये किताब पढ़ी, और उस समय आया था इंडिया में कोविड। अब कोविड के चलते ये दोनों मिल नहीं पाए, लेकिन कुछ समय के बाद जब थोड़ी क्लियरेंसेज हुई तो ये जनाब अपने फैमिली से मिलने के लिए भोपाल आए, शेखर ऑलरेडी भोपाल में था, दोनों ने मिलने का एक प्लान बनाया। अब मिलने का डिसाइड हुआ शाम के समय में। अगले को कोई आइडिया नहीं कि मिलने क्यों है, मतलब उसको लग रहा है कि रियूनियन के लिए मिल रहे हैं। शेखर रियूनियन करना चाहता था, लेकिन उसके साथ में उसका मेन मुद्दा था ये बुक का प्रपोजल। फोन कॉल वोन कॉल सब आ जाता है, जनाब अपनी गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं, शेखर उस होटल में बैठे हुए होते हैं, टेंशन। इतने में फोन आता है, प्रियंका का था। हेलो, हाँ नहीं नहीं मैं बस एकदम वही बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वो गाड़ी पार्क कर रहा है, मैं भी मतलब होटल में हूँ, थोड़ा टाइम हो गया, वो भी मतलब अभी अभी गाड़ी पार्क कर। अरे हाँ भाई आपने बता दिया, गाड़ी पार्क, क्या हो गया यार आपको, प्लीज़ आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे,
यार आप दोस्त से मिलने गए कि डेट पे गए, पहले मुझे ये बताओ है कुछ नहीं हो क्या होगा, वो इकलौता राइटर है क्या, वो नहीं पसंद आया अपन किसी दूसरे के पास चले जाएंगे, लेकिन प्लीज़ इस तरह नहीं, वो मेरे को एनजाइटी होती है तो क्या फालतू बात करते हो, डिब्रत इन डिब्रत आउट, अभी करो डिब्रत इन डिब्रत आउट। हाँ ना मैं बस, अब शोभना सो गई क्या, अरे कहाँ है यार, इतनी मुश्किल से तो उसको लिटाया, कहीं पे भी कार बाइक की आवाज़ आ जाती, पापा आ गए पापा उठ जाते। नहीं मैं मत, हे ए लिसन लिसन, आई थिंक इज हियर, मैं ना रखता हूँ, सुन बाय बाय बाय। हेलो हेलो क्या बाय बाय बाय, क्या दोस्त आ गया तो बाय बाय बाय, आगे पीछे कुछ बोलना होता है शायद बाय 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 के, अरे यार तुम बोलो। बाई के आगे पीछे जो बोलते हैं वो बोलने के बाद शेखर को फ़ोन रखने की इजाज़त मिली। उसके बाद यार दोस्त से जाकर के मिले, गले वले लगे यार, सालों बाद स्कूल के दोस्त मिल रहे थे, स्टार्टिंग में वो इंट्रोडक्टरी टॉक्स वगैरह, फिर वो रियूनियन की बातें, वो पुराने दिन क्या दिन थे, आ हा हा हा। शेखर को भी खूब अच्छा लगा। फिर करीबन काफ़ी टाइम के बाद शेखर ने कॉन्वर्जेशन को एक करियर का टॉपिक दिया और उसने कुछ सवाल पूछे। अब ठीक है यार, मतलब कुछ स्मॉल पब्लिकेशन हाउसेस के थ्रू अपन ने ट्राई किया, लेकिन वो जो ब्रेक चाहिए होता है वो वैसा नहीं मिल रहा यार, मतलब आई एम ट्राइंग, काफ़ी स्ट्रगल सा चला। क्या बात कर रहा है यार, लाइक व्हेन आई रेड योर बुक मैं तो हिल गया, लेजिट मैं तो फैन में, मैं कितनों को रिकमेंड कर चुका हूँ यार किताब। थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, लेकिन क्या ना किताब तब चलती है जब वो लोग तक किताब पहुँचे जो आपको जानते पहचानते नहीं है। ओके बट अभी क्या, वेल राइट नाउ लुकिंग फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा तो मैं कहानी दूँ तो लिखेगा, अरे सर आप राइटर हैं हाथ दीजिए, अबे राइटर नहीं हूँ, मतलब एक प्लॉट है मेरे पास, 70% डन है समझ ले, बस कोई बेटर वर्ड्स यूज़ करके उसको कोई नॉवल में कन्वर्ट करने वाला चाहिए, लेकिन दो रूल्स हैं बॉस, पहला तो ये कि भाई उसका टाइमलाइन अपन छेड़ नहीं सकते, उसका प्लॉट अपन छेड़ नहीं सकते, जो डिटेल है वो है, दूसरा ये कि भाई उसमें मेरे और मेरे फैमिली मेम्बर में से किसी का नाम नहीं आना चाहिए। भाई तेरे से रिलेटेड तो नहीं है ना ये भाई, है भाई मेरी जान मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये फिक्शनल राइटिंग वाला बंदा हूँ यार, मैं कोई रियल लाइफ वगैरह में लिखना, सुन ले एक बार, सुनने के बाद डिसाइड कर लेना कि तेरे को फिक्शनल लग रही है कि नॉन फिक्शनल, मतलब नो प्रेशर। बता, साल 2002 में दशहरा के कुछ दिन पहले एक हमारा कॉलेज का ग्रुप था, पचमढ़ी जाने का प्लान बना था, तो वहाँ जाने के लिए रात को 11:30 बजे के आसपास एक ऑटो पकड़ी थी मैंने, बस यही थी शुभरात्रि की कहानी। एक ऑटो का सफर किसी कहानी क्रिएट कर सकता है ना, बट व्हाट इफ नाउ आई टेल यू दैट इस ऑटो को एक मिनट के लिए साइड में हटाते हैं, इसके बदले एक ट्रेन के सफर को लाते हैं, एक पूरी की पूरी बोगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग बैठे हुए हैं, मंजिल के आने में अभी भी घंटों बाकी हैं, तो इस बोगी के अंदर क्या कहानी हुई होगी सुनाएंगे, ये भी सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि शुभरात्रि के खत्म होते ही साथ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों का इंतजार कर रही है, कहानियों की दुनिया से ही है लेकिन कुछ हटकर है, कल मंडे आप लोगों के बीच में वीडियो आ जाएगा, उसके अंदर मैंने प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, मजा आने वाला है, बट सवाल सिर्फ इतना सा है कल जब मैं वो अनाउंसमेंट करने के लिए आऊँगा और समय के साथ तो अभी बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों को सुनानी है, तो आप सुनने आएंगे